होम कुकिंग विद शेट्टी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अक्षता और आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ विद अ डबल ट्विस्ट। एक ट्विस्ट ऐसा है कि फ्रेंच फ्राइज़ को हम एक अलग तरह से पेश करेंगे और दूसरा ट्विस्ट ये है कि इस रेसिपी को बनाया है विराज ने। ये सीख के आए थे कहीं, तो ये खा के आए थे कुछ उनके कोई एक ट्रिप में कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो वो रेसिपी इसे ये खुद ट्राई करेंगे। तो आप सभी के लिए विराज लेके आएंगे फ्रेंच फ्राइज विद अ ट्विस्ट। तो चलिए चलते हैं विराज के साथ इस रेसिपी को बनाते हैं। सो चलिए चलते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे जो शेफ है, जो किचन शेफ है, वो है विराज। उन्होंने आज हमने जगह स्विच कर ली है। मैं हूँ कैमरा के बैक लेंस के पीछे की तरफ और विराज करेंगे आज का डिश रेडी। सो इस डिश के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक बिग साइज आलू। आलू लिया हुआ है यहाँ पे और तो हम इस आलू को थोड़ा कट करके लेंगे। ओके, यहाँ पे विराज ने लिया है बड़े साइज का आलू। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसके एजेस कट करके ले रहे हैं, राइट? इसको एक पहले तो क्यूब इसका बना के लेंगे हम। ओके, ये थोड़ा वेस्टेज नहीं है, सब्जी में खाएंगे कल। ओके, तो ये कभी की बेसिक सा एक क्यूब हमने रेडी कर लिया है इसका, एक ब्लॉक। हाँ, एक ब्लॉक बोल सकते हैं, क्यूब बोल सकते हैं। करेक्ट, इसको हमने ऐसा बना लिया है। क्या करेंगे, इसको तीन हिस्सों में कट कर लेंगे। ओके, ठीक है। सो ये तीन हिस्से इसके हो गए, राइट? ठीक है, अब इसका सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप है। अब हम यहाँ पे हमने ये लिए दो स्क्यूअर्स जो हम पनीर टिक्का आपने बनाया था जी। स्क्यूअर्स, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें क्रिस्प क्रॉस कट करना है। ओके, तो हम इसको ये स्क्यूअर्स को यहाँ तक रखेंगे। इसको रखने की रीज़न है कि हमारा जो छुरी है वो पूरा नीचे जाके इसको कट ना कर दे। ओके, तो इसको हम ऐसे नीचे रखेंगे। सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट ये करके लंबा काट के लेंगे। ओके, विराज जब कुछ 3 साल पहले मॉरिशस गए थे तो वहाँ पे उन्होंने एक जगह पर ये डिश खाया था। वहाँ पे एक स्ट्रीट फूड था ये, तो वो बड़े इंस्पायर हुए थे और उन्होंने मेरे लिए बाकी आने के बाद एक्चुअली ट्राई करके दिखाया था ये कैसे बनाते हैं और कहाँ खाया जाता है। बहुत यूनिक टेक्निक। तो इस बार फिर सोचा ये डिश आप सभी के लिए लाया जाए। तो अभी हमने स्ट्रेट उसमें कट्स कर लिए हैं। ओके, अब हम उसे क्रॉस कट्स करेंगे। ओके, सो इसलिए मैंने विराज को रिक्वेस्ट किया कि ये जो डिश है वो आप ही बनाएं, क्योंकि आपने इसे बनते हुए भी देखा है और खाया भी है, तो क्यों ना हम हमारे ड्यूटीज को थोड़ा स्विच कर लें और कुछ नया ट्राई करें। तो सॉरी थोड़ा सा, हाँ मुझे कुकिंग मेरा। सो इस तरह से विराज ने क्रॉस स्लाइसेस भी कर लिए हैं पोटैटो के। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप दिखाएंगे कैसा दिखता है? सो ये आपका देखिए, ये सब हो गया। लवली, ये हमारे आलू थोड़े छोटे मिलते हैं ना, बड़े वाले आलू नहीं मिलते। तो ये सब स्ट्रेचेबल टाइप में हो गया है, ये देखिए आप। वंडरफुल, ठीक है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। ओके, चलिए चलते हैं अब डीप फ्राई करने के प्रोसेस पे। सो अब नेक्स्ट स्टेप विराज, हम क्या करेंगे? सो ये आपका जो पोटैटो है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड पे एक स्क्यूअर लगा लेंगे। ओके, वहाँ पे एक और ये गया, यहाँ पे एक। सो बेसिकली रीजन स्क्यूअर लगाने का है ताकि आप उसको फ्राई करते हुए स्ट्रेच कर सकें। ओके, सो अब गैस हमने यहाँ पे ऑयल गरम करने रख दिया है और ऑयल काफ़ी गरम हो चुका है, तो इसे फ्राई करते हैं। ओके, बिल्कुल सर, ये निकल गया था, कोई नहीं, इसको आप वापस लगा सकते हैं। सो बेसिकली द आइडिया इज टू स्ट्रेच दिस, जितना स्ट्रेच हो सके, ताकि वो क्या है, जब वो फ्राई होके आएगा तो वो स्ट्रेच्ड एक स्प्रिंग के जैसा दिखेगा और वो अंदर से भी अच्छे से काफी फ्राई होगा। हाँ जी,
अब हमने इसके स्क्यूअर्स निकाल दिए कि बहुत गर्म भी होने लग गया था और ये थोड़ा काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना होगा जितना हो सके उतना, ताकि ये अच्छा क्रिस्प ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई होके निकले। सो अब ये फर्स्ट जो फ्राई किया था विराज ने, वो अब काफ़ी रेडी है। आप देख सकते हैं इसके अभी जो कट्स है वो बहुत ही एविडेंटली अच्छे से दिख रहे हैं। सॉरी, इसको हम अभी निकाल लेते हैं। इसे हम अब निकाल लेते हैं। अब हम एक और आपको दिखाएंगे फ्राई करके, जिसे हमने एक विराज ने एक अलग तरह से स्क्यूअर में प्लेस। सो बेसिकली वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्प्रिंग और आपने स्क्यूअर में पकड़ने को बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो पूरा बहुत गर्म हो जाता है। तो इसलिए हम इसे स्क्यूअर को ऐसे लगा के चाहिए, तो इसको आप थोड़ा देख सा सकते हैं इस इसके फाइननेस को कितना परफेक्टली ये कट है। तो आप इसे थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। अब इसे करते हैं डीप फ्राई। पोटैटो एक ऐसा यूनिक चीज़ है जिसके साथ बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ये भी ऑलमोस्ट डन हो गया, ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। अब आप देख सकते हैं ये है परफेक्टली डन। ये है विराज की रेसिपी। इतना ब्यूटीफुल है ये। अब कोविड जब ख़त्म होगा और हमारे घर पे कभी कोई गेस्ट रहेंगे तो मैं विराज से यही बनवाने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी। सो इस तरह से हमारा एक पोटैटो का एक यूनिक डिश है रेडी। इस पे हम थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर या काली मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल करके सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही यमी लगेगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और शो सम लव टू विराज। इनकी ये फर्स्ट वीडियो है जो उन्होंने ये रेसिपी बनाई है। जितना हो सके सभी को शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करके इसे लाइक करें। और आप अगर न्यू व्यूअर है हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी कुकिंग।